सो अभी निकल रहे हम लोग काजा से। आज का प्लान क्या है वो थोड़ी देर में बताते हैं। कल रात को एक्चुअली ये होटल में आ गए थे हम लोग। ये होटल का नाम एक बार बाहर जाके चेक करके बताता हूँ मैं। परसों हम लोग एक होमस्टे में रुके थे, होमस्टे थोड़ा सा अंदर में था इसलिए गए नहीं। ये रोड साइड में एक होटल मिल गया, यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे पर हेड 1300 करके, और जो होमस्टे में थे वहाँ पे पर हेड 1000 करके था, वो भी ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड। सामान वगैरह ऑलरेडी पैक्ड है, ज़्यादा कुछ खोला नहीं। इधर लैपटॉप का बैग है, टैंक बैग है। तो थोड़ी देर में निकलना है काजा से। आज जाएंगे हम लोग हमारा अगला डेस्टिनेशन में। और सुबह 7 बजे अजय भाई और सलमान भाई हमारे चले गए मनाली की तरफ हम लोग को छोड़ के। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सलमान भाई का डेट से शूटिंग का डेट है, तो अभी निकल रहे हैं अभी। पहले मतलब सोचा था कि एक साथ रहेंगे, लेकिन अचानक से कुछ काम आने की वजह से ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो जिधर से आए थे उधर से ही रिटर्न वापस जा रहे हैं। तो वही बात है। और कुछ दिन रुकते तो अच्छा लगता। नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे। हाँ। आएंगे, मतलब एक टूर इनके साथ एक और बनाएंगे। हाँ। बारलाचा साइड है, लेह लद्दाख का एक टूर बनाएंगे। हाँ। तो उसमें हम साथ ही रहेंगे एकदम। यहाँ पर दरअसल एक तो सिग्नल प्रॉब्लम है। हाँ। तो सारा काम रुक चुका है। तो इनका क्या है कि जैसे कि टैक्सी सर्विस है मनाली में, तो कॉल वॉल आता रहता है और नेटवर्क कभी कभी नहीं रहता, तो इनका जो काम है वो बंद हो जाता है। आप लोग भी अगर मनाली जा रहे हो और वहाँ पे कुछ टैक्सी सर्विस वगैरह चाहिए, मनाली टूर पैकेज वगैरह करवाना है, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया मैंने। हाँ जी, होटल तो हमारा हिल साइड भी हुआ है। हाँ। मतलब बढ़िया बालकनी वाला रूम है एकदम। होटल इन लोगों ने देखा हुआ है। देखा हुआ है एकदम, बहुत बार देखा। मतलब बहुत अच्छा होटल है, बालकनी वाला रूम है। बाकी जो आपका कपल से लेकर फैमिली ग्रुप तक सारा हैंडल हम कर लेते हैं। अजय भाई और हम साथ ही काम करते हैं, और आगे भी शायद लंबे समय तक जब तक है तो साथ ही रहेंगे, साथ ही काम करेंगे। बाकी भाई साहब को तो साथ तो मिलते रहेंगे। की जर्नी के लिए सर बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस सीरीज में 5 लाख तो क्रॉस हो जाए आपके। 5 लाख तो नहीं होगा। नहीं, 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 हो जाएगा इजीली हो जाएगा। और अभी तो आप फुल टाइम भी कर रहे हो यूट्यूब को, तो अच्छी खासी ग्रोथ होगी। बाकी एक ही बात है, इनके साथ रह के पहले भी मिला और अभी भी मिला, बस एक ही वर्ड है, काउंटिंग वाइल्स इज ए इमोशन। इमोशनल टच आता है अपने आप आपकी वीडियो देख के। और राइड का मौका मिला आपके साथ, नेक्स्ट टाइम कभी बाइक राइडिंग का भी प्लान बनाते हैं, जैसा भी हो सकता है। और हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि अचानक से आप प्लान चेंज हो गया आप लोगों का और चले जा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन मिलते भी रहेंगे। देखो आपके लिए तो हमेशा मनाली में हम बैठे हुए हैं, बस कभी भी आप तो कॉल कर दीजिएगा। एकदम एकदम। अभी जा रहे हैं ये लोग। मैं क्या कहूँ, मैं तो फिर मिलेंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि जिंदगी लंबी है, दुनिया गोल, मिलेंगे जरूर दोबारा। एक बार रिलेशन बन गया ना सर, वो कहीं थोड़े जाए। हाँ। को थोड़ी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चलो टाटा। ठीक है सर। सब रेडी हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 12:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं डंकार विलेज। तो ये हमारा होटल क्लिफ पैलेस। तो जैसे ही आप काजा में एंट्री करोगे ये होटल मिल जाएगा। और बाइक बे से लोड हो चुका है, बस इतना ही सामान है मेरे पास अभी। चलो रेडी, निकलते हैं अभी। सो बाय बाय काजा, बाय बाय। 3 रात रुके हम काजा में। वैसे 3 रात रुकने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन अजय भाई लोग आज रिटर्न हो रहे थे इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज रुके। मैं वैसे मिस करूँगा सलमान भाई को, अजय भाई को, ये ट्रिप में होते तो और भी मज़ा आता। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है ताबो, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ताबो नहीं जाएंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे धंकार विलेज। वहाँ पे एक सुंदर सा एक लेक है, वहाँ से जाएंगे मूद विलेज जो पिन वैली में आता है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ताबो। तो फिलहाल तो ये प्लान है, अभी बाद में प्लान चेंज होगा वो बाद में पता चलेगा। आज बाइक थोड़ा हैवी लग रहा है क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो जितना सारा सामान है सब बाइक पर लोड हो गया है, तो बहुत दिन बाद बाइक थोड़ा हैवी लग रहा है। तो आज का जो वीडियो है ये स्पीति राइड का 6th या 7th एपिसोड है। आपने अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन पर इधर मैंने ऐड कर दिया। स्पीति का मतलब होता है मिडिल लैंड, मतलब इंडिया और तिब्बत के बीच का एक जगह स्पीति। काजा से धंकार विलेज का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर, और हम लोग को ये 15 किलोमीटर बाद ये हाईवे से अलग होना पड़ेगा।
तो आज वैसे हम लोग को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना होगा, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर जैसा चलाना होगा बाइक, उसके बाद तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये जगह काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे। राइट साइड में एक ही किस्म के पेड़ है, सेम साइज़ का, सेम टाइप, रेगिस्तानों में जैसे होता है, क्योंकि स्पीति भी लद्दाख जैसा एक कोल्ड डिज़र्ट माना जाता है स्पीति को, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो पेड़ देख रहे हो, ये सब कांटों का पेड़ है। रोड तो देखो मस्त है एकदम, बहुत ही बढ़िया रोड है, फिर भी हम लोग 50-60 के स्पीड से चल रहे हैं आराम आराम से, नज़ारा एंजॉय करते हुए। रोड के लेफ्ट साइड में है पहाड़ और राइट साइड में है स्पीति रिवर और सीधा एक खूबसूरत सा स्नो पिक माउंटेन। वो होटल वाला भैया ने बोला था 15 किलोमीटर जाके फिर वहाँ से लेफ्ट जाना है, और मैंने एक्चुअली देखा नहीं कि हम लोग होटल से कितना किलोमीटर पे निकले। तो अभी एक ब्रिज क्रॉस किया था तो सोचा कि वही होगा। अच्छा, तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक है सीधा, सीधा जाने से टाबो और राइट जाने से पिन वैली। धंकार मोनेस्ट्री का ऐसा कुछ सीन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो काजा से 12-15 किलोमीटर बाद आपको ऐसा एक ब्रिज दिखेगा और ट्राई जंक्शन है। यहाँ से अगर राइट जाते हो तो मुद विलेज या फिर मड विलेज, और जो पिन वैली में आता है, और सीधा जाने से ताबो, ठीक है। तो फिलहाल जो प्लान हुआ है, धंकार जो विलेज है वो हम उसके लिए हम लोग को सीधा जाना होगा। तो हमने ये डिसाइड किया है पहले पिन वैली घूम के आते हैं, उसके बाद धनकार जाएंगे। तो हमने ले लिया राइट। वेलकम टू पिन वैली। तो ये ब्रिज से पिन वैली का जो डिस्टेंस है अप्रोक्स 20 किलोमीटर। बीच में जो रिवर है इसका लेफ्ट साइड में और एक रोड जा रहा है, तो हम लोग फिर से वापस उसी रोड से जाने वाले ताबो के तरफ। कल हवा वगैरह चेक करवाया था बाइक का, तो बाइक इतना उछल रहा है तो हवा शायद ज़्यादा हो गया। वेलकम टू पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली में एक नेशनल पार्क भी है, तो हम लोग शायद नेशनल पार्क में तो नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ा पिन वैली घूम के आ जाएंगे। जैसे हम लोग काजा से निकले मोबाइल नेटवर्क भी चला गया, और सुनने में आया है कि मूद विलेज या फिर पिन वैली में नेटवर्क नहीं रहता। तो इतना देर पूरा टारमैक रोड था, ब्रिज क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर जैसे आए होंगे हम लोग, और आने के बाद टारमैक रोड ख़त्म हो गया है। भैया जी इधर तो ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। सही है, तो सामने एक विलेज दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं है कि मूद विलेज है कि कौन सा विलेज है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। एक चीज़ है, ये विलेज में ग्रीनरीज है, बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे ग्रास है, खेती बाड़ी है। तो ये एक छोटा सा गेट गुदिंग विलेज में घुसते के साथ साथ हम लोगों को मिल रहा है। तो ये इधर ये एक चीज़ देखा है मैंने, जितना सारा छोटा छोटा विलेजेस है ना, और विलेज के आगे ऐसा सुंदर सा गेट रहता है, सुंदर सा छोटा सा गेट रहता है, वो उससे पता चलता है कि ये विलेज का शुरुआत है। काजा का और पिन वैली का जो हाइट है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, अप्रोक्स 1200 फीट है। फिर भी काजा में थोड़ा ग्रीनरीज कम देखने को मिला, इधर तो काफ़ी देखने को मिल रहा है। आप देख ही रहे हो सामने, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ है, इधर पूरा ग्रीन ग्रास है पहाड़ में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी दोपहर का हो रहा है 2, तो ये सब जगह में एक्चुअली शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं बस वही इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी शाम हो रहा है और शाम में कैसा दिखेगा ये जगह, बहुत सुंदर। यहाँ पे कोई भी ऐसे टूरिस्ट या बाइकर देखने से ऐसे बाय बाय करते हैं। तो ये जो ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे सगनाम विलेज। सीनिक ब्यूटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जैसे हम लोग पिन वैली में एंट्री लिया के साथ साथ पूरा सीनरी बदल गया, इतना खूबसूरत लग रहा है ये वैली। पिन वैली में एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग गांव है, उसमें से ये एक विलेज है, ये विलेज का नाम है सगनाम, याद है मुझे। तो सर
कैसा लग रहा है ये जगह? सच में सुंदर है ना? बहुत 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 सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि रुक जाए यहाँ पे। हाँ। लेकिन सुना है कि मड विलेज इससे भी सुंदर है, तो वहाँ जाके देखते हैं, खाना खाते हैं और क्या पता वहाँ रुक जाए। हाँ, देखते हैं। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं विलेज से। ये देखो वेदर कैसा है, पूरा डार्क हो गया है। और जैसे ही वेदर डार्क किया ना, सैंडस्टॉर्म आना चालू हो गया इधर। हम लोग जितना ज़्यादा मूड विलेज के तरफ जा रहे हैं, उतना ज़्यादा क्लाउड्स के नीचे से जा रहे हैं। नीचे से जाने से तेलिंग, राइट से वैसे मूड राइट जाना है। और अभी हल्का हल्का बारिश के बूंदे भी गिरने लगी है। वैसे टेंशन नहीं है, इधर बारिश उतना होता नहीं है। वो जो पहाड़ देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट साइड में, वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया है। मूड विलेज और 3 किलोमीटर वहाँ से तो पहुँचने ही वाले हैं बस। बहुत ही सुंदर सा एक हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पे, तो शायद मूड विलेज यही है। तो आपका स्वागत है मूड विलेज में एट लास्ट। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, एक बार पूछ के मैं बताऊँगा। इधर मैं ये बात बता दूँ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, ना एयरटेल का है ना जियो का है। BSNL का मैंने चेक नहीं किया अभी तक, वो तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एक बार पूछते हैं भैया को कि ये कौन सा विलेज है। भैया ये कौन सा गाँव है? मुद गाँव है। इधर रेस्टोरेंट वगैरह कहाँ मिलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। सो अभी खाते खाते हम ये सोच रहे थे कि रहे कि चले जाए, तो इस पे ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे नहीं रहेंगे हम लोग, चले जाएंगे ताबू। मेरा रुकने का थोड़ा बहुत मन है, लेकिन सर का उतना मन नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं है इधर। और इनका एक्चुअली चंडीगढ़ पहुँचना है, और आज अगर यहाँ पे रुकते तो लास्ट में हड़बड़ी करना होगा, एक दो जगह मिस हो जाएगा। तो इसलिए डिसाइड किया कि आज यहाँ से चले जाएंगे। वन मोर रीजन, एक और रीज़न ये है कि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो 12,500 फीट है। हाँ। और जो ताबो में रुकेंगे वो लगभग 10,000 है, थोड़ा तो एल्टीट्यूड भी कम होगा तो मेरे लिए अच्छा है। सोचा था खाना खाने के बाद वीडियो थोड़ा करूंगा, ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन वो सब भी मुश्किल है। स्पीति में बारिश नहीं होता, लेकिन काउंटिंग माइल्स है ना, इसलिए बारिश हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेनगियर्स वगैरह पहन लिया हम लोगों ने, सामान को भी रेनगियर्स पहना दिया। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गया था और हम लोग पिन वैली से वापस आ गए। पिन वैली में सोचा था ड्रोन शॉट लूँगा, कुछ कुछ वीडियो वगैरह बनाऊँगा, लेकिन इतना ज़ोर का बारिश आया ना अचानक से, सब सामान वामान पैक करके गोप्रो अंदर डाल के आ गए। तो अभी फ़िलहाल मेन रोड पे आ गए। अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है टाबू। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है पिन वैली। मुझे तो पिन वैली से ज़्यादा सुंदर लगा सगनम विलेज। वो पिन वैली से 14 किलोमीटर दूर है, मतलब पहले सगनम विलेज आएगा उसके बाद 14 किलोमीटर पिन वैली। तो फिलहाल अभी निकलते हैं ताबू की तरफ। सर इधर अपना गोप्रो लगा रहे हेलमेट पे, वाटरप्रूफ कर रहे हैं, वाटरप्रूफ। ये एक रीयूजेबल गम आती है, ये च्युइंगम टाइप है, बट ये च्युइंगम नहीं है। इसको क्या है ना, हम लोग निकाल के फिर से लगा सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। सो जो मोटो व्लॉगर भाई लोग हैं, आप लोग के लिए एक जुगाड़ हो सकता है। मात्र 90 रुपीज़ का है। दिखा दूँ इसका पैकेट, ये फेबर कास्टल का आता है, 90-95 रुपीज़ का है, बट अच्छा काम करता है। दूसरा, इससे अगर ये नहीं करना चाहते तो आप अपने दीवार में इसको चिपका के फोटो वोटो फ्रेम भी चिपका सकते हो, तो बढ़िया काम का चीज़ है। सो हम लोग लेफ्ट से आए थे काजा के तरफ से, अभी राइट ले रहे हैं ताबू के लिए। मैं भी ग्लव्स खोल के चला रहा हूँ, धीरे धीरे चलाऊँगा। ग्लव्स पूरा भीग चुका है मेरा, भीगा हुआ ग्लव्स की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रहा था मेरे हाथों को। तो हमारा वैसे प्लान था धनकर विलेज जाए, धनकर मोनेस्ट्री देखे, लेकिन अभी लेट हो चुका है और बारिश भी हो रहा है, तो इसीलिए धनकर को स्किप कर रहे हैं और हम लोग सीधा चले जाएंगे ताबो में। पिन वैली और कुल्लू के बीच में एक पहाड़ है। पिन वैली से ट्रैक करके कुल्लू जा सकते हैं, किन्नौर जा सकते हैं, तो बहुत लोग वो रोड से ट्रैकिंग करते भी हैं। तो ये साइड में बारिश हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को बारिश मिल नहीं रहा। अभी थोड़ा हाथ सही लग रहा है मेरा, थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि जिस्पा वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें देखा होगा कि मेरा उंगली का जो टिप है वो मोटा हो गया था ठंड की वजह से, फिर सरसों का तेल से मालिश करने के बाद ठीक हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था कि आज भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं हुआ, सब सही है आज। इधर वैसे टर्मिक रोड तो नहीं है और ये जोन लग रहा है लैंडस्लाइड वाला जोन है, क्योंकि पत्थर देखो गिरे हुए रास्ते में और ऊपर से भी गिरने का चांसेस है। जैसे ही बारिश में भीगे ना, उसके बाद सिंचाई में थोड़ा आवाज़ होने लगा है। शायद जितना सारा ल्यूब वगैरह किया था वो चला गया होगा, चेन सूख गया होगा, पता नहीं। तो ऐसा ही होता है एक्चुअली। सुबह हम लोग निकले
क्या क्या सोच के कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी देखो कहाँ जा रहे, बीच में डंकर विलेज वो भी छूट गया। बहुत अलग है ये जगह तो, बहुत सुंदर है, बहुत अलग है ये जगह। ताबो और 7 किलोमीटर तो हम लोग पहुंच गए ताबो। अभी हम लोग ढूंढ रहे होम स्टे, राइट साइड में ढूंढेंगे होम स्टे, क्योंकि राइट साइड में है रिवर और लेफ्ट साइड में तो पहाड़ है। ये बहुत ही अच्छा मोनेस्ट्री है, कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, एकदम सिंपल, डायरेक्ट आप बाइक लेके आ सकते हो। सही है, हम लोग शायद बाद में जाएंगे, अभी पहले रहने का जगह ढूंढ लेते हैं। सो यार मिल गया एक होम स्टे, होम स्टे का नाम है केसंग होम स्टे, और मोनेस्ट्री का जो गली है वो गली के पास ही है ये होम स्टे। तो रूम का जो प्राइस है वो हमको मिल गया 1000 रुपये में विदाउट फूड, मतलब 500-500। पास में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ की वाइब भी अच्छी है। हाँ। वहीं पे जाके खाएंगे। हाँ। सो अभी रात के हो रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं अभी डिनर करने के लिए। जिस होम स्टे में रुके यहाँ पे डिनर नहीं मिलता, तो बगल में ही एक्चुअली रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाएंगे खाएंगे। सो हमने ऑर्डर किया दाल, ये मिक्स वेज और रोटी। मैं खाऊंगा 3 रोटी, सर जी खाएंगे 3 रोटी और साथ में मिक्स वेज। तो खा के आ गए हम लोग, और अभी दो चीज़ें करना है, एक तो डेटा अपलोड करना है कुछ, और दूसरा एडिट करना है, तो वही में लगे हुए। और कैमरा वगैरह जितना सारा है वो सब चार्ज में बिठा दिया, थोड़ी देर में चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का प्लान कल बताते हैं, फिलहाल ये वीडियो को इधर ही एंड कर देते हैं, ठीक है। तो सर जी आपका डायलॉग बोल दीजिए। राइट सेफ ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अनअकैडमी पे मेरा ब्लॉगिंग कोर्स लॉन्च हुआ है, अगर मन है तो चेकआउट कर सकते हो।